15 अगस्त को दिल्ली के ट्रैफिक रूट में रहेगा बदलाव। लाल किले के आसपास के क्षेत्र में आवाजाही पर रोक। विपक्षी एकजुटता के लिए सोनिया गांधी की पहल। 20 अगस्त को बैठक में ममता उद्धव समेत कई दलों के नेता होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों के दल पर ग्रेनेड हमला। कुलगाम में पाकिस्तानी आतंकी ढेर। उज्जैन में आज खुले नागचंद्रेश्वर के पट। कोरोना के कारण श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक। भोपाल में ओलंपिक खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बोले सीएम, खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आज हिंदुओं का पवित्र त्यौहार नागपंचमी मनाई जा रही है। नागपंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर के शीर्ष पर स्थित नागचंद्रेश्वर के पट खोलते हैं। इसी परंपरा का पालन करते हुए मध्यरात्रि में नागचंद्रेश्वर के पट खोले गए। कोरोना संक्रमण के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी श्रद्धालु लाइव प्रसारण के माध्यम से नागचंद्रेश्वर के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के शीर्ष पर नागचंद्रेश्वर विराजमान है। हर साल केवल नागपंचमी के दिन 24 घंटे के लिए नागचंद्रेश्वर के पट को खोला जाता है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खोले गए जहां पर विशेष पूजन और अभिषेक भी किया गया। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश फिलहाल प्रतिबंधित है, जिसके कारण नागचंद्रेश्वर के दर्शन श्रद्धालु नहीं कर पा रहे हैं। वहीं भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओलंपिक खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर अपनी राय दी। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुई महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन पर कहा कि महिला टीम ने भी गजब कर दिया है। टीम चौथे नंबर पर रही है, कोई बात नहीं अगर उन्होंने मेडल नहीं जीता, लेकिन वह महिलाएं जिस तरह से खेली हैं उन्होंने देश का दिल जीत लिया है और आगामी आने वाले दिनों में महिलाएं और भी अच्छा प्रदर्शन ओलंपिक में करेंगी। विवेक की माता जी भी यहां पे हैं, कमला देवी। उनकी आंखों में मैंने बार बार आंसू देखे। आज आपको भी प्रणाम, आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। ऐसी सारी माताओं को मैं प्रणाम करता हूं। और जीतने के बाद विवेक की एक ही हसरत थी, अपनी मां। कच्चे छोटे से घर में रहती है, एक पक्का घर बनवा दूं। आज मैं कमला देवी से पूछना चाहता हूं, बताओ मेरी बहन कहां मकान चाहिए। वही कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एहसास हो गया है कि विधानसभा में गलती हुई है। अब कांग्रेस गलती को छुपाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस को इससे कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। वही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। वो इस बात का एहसास हो गया है कि उनसे गलती हुई है और वो गलती को कैसे ठीक करे। जनता में जो मैसेज गया है वो कांग्रेस के खिलाफ गया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए निर्माण किए जाने वाले कॉलोनी को लेकर अब नगर निगम पर ही कांग्रेस सवाल उठा रही है। बता दें कि नगर निगम पर संपत्ति को लेकर जारी की गई एनओसी को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले पर एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि जनशक्ति नगर को लेकर मांग की गई तो निगम के विभाग उन्हें बरगरा ले रखे, जिसके बाद सूचना के अधिकार के तहत निकाली गई जानकारी में खुलासा हुआ कि नगर निगम अधिकारियों और भवन निर्माण अनुज्ञा शाखा द्वारा बिना किसी नियमों का पालन कर महज शपथ पत्र के आधार पर ही जनशक्ति नगर को लेकर एनओसी जारी कर दी गई, जिस पर सवाल उठाते हुए एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने निगम अधिकारियों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है, ग्राउंड फ्लोर ओपन लैंड, एरिया कितना है 196,454,
खाली जमीन है, फिर बारूद घर कैसे उड़ाया? और जब बारूद घर का आपने संपत्ति कर ही नहीं भरा, ये सामने सबूत है, तो संपत्ति कर अधिकारी ने मौके का निरीक्षण क्यों करा? और अगर करा तो कैसे प्रमाण पत्र दे दिया कि आपने सही संपत्ति कर भरा? राजधानी में धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में गांधीनगर थाना पुलिस ने ग्वालियर निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के नाम पर दो युवकों के खिलाफ ठगी का केस दर्ज किया है। पुलिस मोबाइल नंबरों के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि उनके पुत्र और भतीजे ने नीट की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पूरी परीक्षा को पास किया था। वे उनका किसी बेहतर मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराना चाहते थे। इस सिलसिले में उनका परिचय रितेश और राहुल नाम के दो युवकों से हुआ। दोनों ने बताया कि वे लोग गांधीनगर स्थित महावीर अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय में काम करते हैं। अपने संपर्कों के माध्यम से वह छात्रों का प्रवेश वहां पर कराते हैं। उनकी बातों पर भरोसा करने के बाद पंकज कुमार ने अपने पुत्र और भतीजे का एडमिशन कराने के नाम पर कॉलेज के काउंसलिंग रूम के पास उन्हें रुपए दिए। इसके बाद भी मेडिकल कॉलेज की प्रवेश सूची में पंकज के बेटे और भतीजे का नाम नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने रितेश और राहुल से संपर्क साधने की कोशिश की तो उनका मोबाइल फोन बंद मिला, जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले की शिकायत तत्काल पुलिस को दी। समाज को नशा मुक्त करने और जागरूकता लाने के लिए रायसेन पुलिस फिलहाल अभियान चला रही है। बीते दिनों गौहरगंज के गुलगांव में शिविर लगाया गया, वहीं आज सुल्तानपुर और बाड़ी में नशा मुक्ति शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष सम्मिलित हुए। पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने लोगों को संबोधित किया। पुलिस कप्तान मोनिका शुक्ला ने लोगों को नशे को तत्काल बंद कर दूसरे कार्यों को शुरू करने की सलाह दी, साथ ही समाज की मुख्य धारा में आने की बात कही और जनपद ग्राउंड में इसी के साथ पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बाड़ी थाना क्षेत्र के आसपास के गांव में जहां हमको ये जानकारी है कि यहां शराब का थोड़ा सा सेवन ज्यादा किया जाता है या विक्रय किया जाता है, इन गांव के लोगों को यहां बुलाया गया और नशे की बुराई के बारे में अवगत कराया गया। कई लोगों का ये कहना होता है कि यदि हम शराब का विक्रय ना करें तो हमारा जीविका उपार्जन क्या होगा। इस संबंध में हमारे द्वारा शासन के सभी विभागों को बुलाया गया और उनके द्वारा शासन की जो भी योजनाएं हैं जिनका ये लोग लाभ ले सकते हैं उससे अवगत करा। मंदसौर जिले की थाना नारायणबगड़ पुलिस की सक्रियता से डकैती करने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुके हैं। बदमाशों ने सूदखोरों से परेशान होकर कर्जा चुकाने के लिए पूरी वारदात को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। शिकायत दर्ज कर पुलिस ने शातिर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में शातिर ने बताया कि नारायणबगड़ स्थित मुफ्तदर हार्डवेयर दुकान के पास गाड़ी को रुकवाकर लूट की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया था और इस तरह से अब तक लाखों रुपए वो लूट चुके हैं। शातिर की निशानदेही पर पुलिस शातिर के गिरोह के बाकी सदस्यों की भी तलाश कर रही है। ये जून के अंतिम सप्ताह पे की बात है, थाना मल्लारगढ़ में, थाना नारायणगढ़ में एक व्यक्ति की शॉप है, ताहिर नाम का व्यक्ति है जो कि मनासा का रहने वाला है। वह व्यक्ति जब अपनी शॉप से वापस मनासा जा रहा था तो रास्ते में उसको दो लोगों ने किडनैप कर लिया। पहले उन्होंने हाथ दे करके लिफ्ट लिया, लिफ्ट लेने के बाद फिर दूसरा व्यक्ति उनको और कहीं और से मिला। इस तरीके से दो व्यक्ति जब हो गए तो उन्होंने रास्ते में उसको कट्टा दिखा करके जो भी सामान उपलब्ध था, जो भी मशुका था वो और मोबाइल अन्य चीज़ें सब लगभग 2.5 लाख के आसपास के। वहीं भोपाल के गुनगा इलाके में अप्राकृतिक संबंध स्थापित करने का एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने बताया कि पीड़ित और आरोपी एक ही जगह के रहने वाले बताए जा रहे हैं और दोनों ही नाबालिग हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर फिलहाल जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पीड़ित को एक सुनसान जगह पर ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया। नाबालिग ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी तत्काल परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे और FIR को दर्ज कराया गया। पीड़ित और आरोपी की उम्र 15 से 16 साल की बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।
सतना जिले के ग्राम चौरहटा कॉलोनी के पास हजारों घर पानी से वंचित हैं। लगभग एक माह से नल जल योजना बंद होने के कारण हजारों परिवार पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। वहीं जनपद पंचायत सदस्य गोरेलाल प्रजापति ने बताया कि ग्राम पंचायत चौरहटा निषाद प्रस्त कॉलोनी एवं चौरहटा मुख्य बस्ती में हजारों परिवार पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं, जिसकी सूचना संबंधित विभाग को बार बार दी जा चुकी है, पर बार बार अवगत कराने के बाद भी कोई भी निराकरण इस समस्या का नहीं हो पाया है। अब और देरी हुई तो क्षेत्र की जनता संबंधित ग्राम पंचायत विद्युत भवन तहसील जनपद कार्यालय का घेराव करने को मजबूर हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। वहीं इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को देखकर तत्काल पूरे मामले की कार्यवाही करनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल आसपास के इलाके में तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि शव करीबन 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव काफी ज्यादा क्षत विक्षत हो चुका है, जिसके चलते शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और अन्य थाना क्षेत्रों से गुमशुदगी सहित शव की पहचान के लिए साक्ष्य जुटाई जा रही है। अभी सूचना मिली थी, यहाँ जिनका ये मकान बन रहा है वैभव गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई थी, तो यहाँ पुलिस आके मौके पे आई है। नरीमन सिटी के अंदर का भाग है जो बाउंड्री वॉल से सटा हुआ है। यहाँ एक डेड बॉडी मिली है, संभवतः आदमी की ही लग रही है, काफ़ी डिकम्पोज है, काफ़ी दिन पुरानी है, स्केलेटन जिसको कहते हैं हो चुका है। और प्रथम दृष्टया तो अभी मर कायम कर रहे हैं, मर कायम करके इसका पीएम कराया जाएगा, उसके बाद अग्रिम करवे। अभी तो अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये जांच का विषय। वहीं इंदौर पुलिस ने 24 घंटे में फर्जी लूटकांड का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई 17 लाख रुपए भी जब्त कर लिए हैं। फर्जी लूट का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसपी पश्चिम महेश चंद जैन ने 10,000 रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उसने पहले से प्लानिंग इस पूरे मामले की कर रखी थी और घटना वाले दिन आरोपी रुपए से भरा बैग लेकर टीकमगढ़ रवाना हो गए और पुलिस को गुमराह करने के लिए थाने में फर्जी लूट की रिपोर्ट लिखवा दी। फिलहाल दोनों आरोपियों को भी पुलिस ने टीकमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही लूटी गई राशि को भी बरामद कर लिया गया है। तो इंदौर में आज फर्जी लूटकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने थाना किशनगंज में आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ में लूटी गई धनराशि को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से लाखों रुपए फिलहाल जब्त किए गए हैं। वहीं निशानदेही के आधार पर बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। फरियादी सत्यम के भाई को पकड़कर उसके कब्जे से उसके दोस्त को पकड़कर उसके कब्जे से 17 लाख रुपए से भरा हुआ नोट से भरा हुआ बैग बरामद करने में सफलता। इंदौर पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 10 साल के बच्चे का अपहरण कर उसके परिजनों से भारी मात्रा में फिरौती मांगने की घटना को अंजाम देने वाला था। पुलिस की सतर्कता से अपहरण करने से पहले ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से घटना करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले धारदार छुरा, लाल मिर्च पाउडर और मोटरसाइकिल समेत कई चीजों को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी घटना होने से टल गई, जिसे पुलिस थाना हीरानगर ने कार्यवाही कर आरोपी को घटना करने से पहले ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो पुलिस थाना हीरानगर को आज एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में मौजूद एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी 10 साल के एक बच्चे को अपहरण कर परिजनों से फिरौती मांगने की कोशिश करने वाला था, जिससे पहले ही पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से मोटरसाइकिल समेत कई सामानों को भी जब्त किया गया है। ये भानगढ़ के निवासी हैं, कॉलोनाइजर हैं, राजतिलक गुंडे। इनके बच्चे के अपहरण के संबंध में नरेंद्र पूरेवंशी निवासी परदेसीपुरा द्वारा एक योजना बनाई जा रही थी पिछले लगभग 6 महीने से, और इनके बच्चे के अपहरण की योजना थी, जिसमें इसके साथियों के साथ ये अपहरण करके उससे एक और की फौती के लिए तैयारी कर रहा था। और कल उसने
अपहरण करने के लिए जैसे ही आया और उसकी सूचना मिलने पर परिवारजनों और पुलिस के द्वारा इसे पकड़ा गया। रतलाम के सालाखेड़ी चौकी के पास जैन ढाबे पर अवैध रूप से घरेलू गैस के सिलेंडर का उपयोग होने की सूचना मिली। सूचना पर खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों ने पहुंचकर कार्रवाई करते हुए 13 घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त कर लिया और पंचनामा बनाकर ढाबा संचालक पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। बता दें कि खाद्य विभाग को लगातार अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद विभाग द्वारा ये एक्शन लिया गया है। तो रतलाम में खाद्य विभाग की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां जैन ढाबे से घरेलू गैस के अवैध सिलेंडरों को जब्त किया गया है। इसी के साथ खाद्य विभाग ने ढाबा संचालक के ऊपर भी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। सालाखेड़ी से जैन ढाबा पे घरेलू सिलेंडर के उपयोग किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, उसी के लिए आज यहाँ पे आए थे हम। और यहाँ पे 3 सिलेंडर का उपयोग खाद्यान्न सामग्री बनाने के लिए किया जा रहा था, बाकी यहाँ पे खाली सिलेंडर मिले हैं। कुल 13 सिलेंडर हैं, आज से जब्त किए हैं, इनका पंचनामा बनाया है जब्त करके और एजेंसी को गैस सिलेंडर सपोर्ट भी मिली है। सिलेंडर का कोई कागज नहीं था यहाँ पे, सारे घरेलू सिलेंडर है कमर्शियल। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।